हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे व्लॉग चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी काफ़ी ठीक होंगे। बहुत ही ज़्यादा वेट करने के बाद फाइनली मैं एक नई सीरीज़ आप सभी के सामने लेके आ रहा हूँ। और ये जो सीरीज़ है, इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं प्लेसेस टू विज़िट इन बर्लिन, जिसमें कई सारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स कवर करूंगा मैं, कई सारे मार्केट्स, कई सारे स्पेशल चीज़ें कवर करूंगा जो दिखाने लायक होगा। मुझे लगता है कि हाँ, ये दिखाने लायक है। सो आप सभी का स्वागत है इस सीरीज़ में। आई होप आप सभी को ये सीरीज़ काफ़ी अच्छा लगेगा। अभी मैं हूँ कांस्ट्रासे पे और यहीं पे मैं रहता भी हूँ, इसी स्ट्रीट पे रहता भी हूँ। और वो जो ब्राउन कलर की बिल्डिंग है, वहीं पे रहता हूँ मैं। और अभी हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं जाविनी प्लाट्स के एसबान स्टेशन पे। वहाँ से मैं एसबान पकड़ूँगा और हम लोग उतरेंगे हैकेशर मार्ग, वो भी एक एसबान का स्टेशन है। और वहाँ से हम लोग कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे टूवर्ड्स बर्लिनर डोम। तो वो बर्लिनर डोम के पास में ये मार्केट है एक, जिसको ये लोग बर्लिन आर्ट मार्केट बोलते हैं। आज के वीडियो में हम लोग वो मार्केट कवर करने वाले हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। तो देखते हैं कैसा जाता है आज का वीडियो। और हाँ, बाहर के साइड पे मास्क पहनना कंपलसरी नहीं है, बट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में अभी भी मास्क मैंडेटरी है। संडे है तो इसीलिए आज ट्रेन भी काफ़ी खाली खाली लग रहा है, जैसे कि देख सकते हो आप लोग। मैं वैसे तो मुंबई से बिलोंग करता हूँ, तो अगर मैं मुंबई और बर्लिन के ट्रेन जर्नी को कंपेयर करूँ तो बहुत ही कम सिमिलैरिटीज़ है उनमें और इसमें। आप देख भी सकते हो, अगर कोई मुंबई से है तो उसको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और प्राइम डिफरेंस जो है वो मे बी क्लीनलीनेस, या फिर जो भी तरीके से बिल्डिंग्स को अरेंज किया है, बनाया गया है, उसका ब्यूटीनेस जो भी है काफ़ी अच्छा दिखता है, काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है। और हाँ, यहाँ पे एक और डिफरेंस है, ये जो वाटर बॉडी है मुंबई में वैसे इतना क्लीन नहीं होता, एक्चुअली क्लीन होता ही नहीं है। अगर रेलवे ट्रैक्स के आसपास वाटर बॉडी हो तो काफ़ी गंदा होता है वो। मैं आप लोग को यहाँ पे एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ आर्ट मार्केट के अलावा, जो कुछ कवर करना है मुझे, और वो है हैकेशर मार्ग के एसबान स्टेशन के पास में एक व्यू है, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे वो। सो यही से जैसे ही हम लोग एग्ज़िट करते हैं वहीं से वो व्यू स्टार्ट हो जाता है, और ये है वो व्यू हैकेशर मार्ग के एसबान के पास। आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सनी डे है, टेम्परेचर अच्छा है, क्लाइमेट अच्छा है, और संडे भी है। सो काफ़ी लोग आपको दिखेंगे यहाँ पे जो अपना संडे एंजॉय करते हुए यहाँ पे बैठ के कुछ खा पी रहे हैं। ये स्टेशन है, वो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं लोग यहाँ। हम लोग थोड़ा आगे जाके देखते हैं कैसा है ये। ये जो ऐसे लंबे लंबे आप लोगों को दिख रहा है, ये एक्चुअली अम्ब्रेलाज है, इन केस अगर बारिश रेन आता है तो अम्ब्रेलाज को ये लोग ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ एक आर्टिस्ट हालो।
ये है हैकेशर मार्ग का एस बान के पास का व्यू जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। सो यहाँ पे हर जगह पे ना ऐसे पार्किंग के लिए, बाइसिकल्स के पार्किंग के लिए जगह होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। यहाँ पे संडे को जो फ्रीक्वेंसीज होती है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बर्लिन में वो थोड़ी कम होती है, कंपैरेटिवली मे बी हाफ होती है। कैन यू प्लीज रिपीट अगेन? थैंक यू वेरी मच। ट्रैवल सो हार्ड, डोंट नोबडी नो माय ट्रैवल विद गॉड, डोंट नोबडी नो माय ट्रैवल विल गॉन, ओह लॉर्ड माय ट्रैवल सो हार्ड, ओह लॉर्ड माय ट्रैवल सो हार्ड, don't nobody know my trouble with God, don't nobody know my trouble with God. All day when that in here you're the day, go so happy and stay all day. Pull all my troubles so hard, pull all my troubles so hard, don't nobody know my trouble with God, don't nobody know my trouble with God. Action. Thank you very much. It was very nice. So अभी हमने जो भी म्यूजिक सुना, एक्चुअली मैं अपने वे से जा रहा था, मुझे दिखा काफ़ी अच्छा, मैंने सोचा कि मैं उसको कवर करूँ, फिर मैंने जैसे कैमरा उसके पास घुमाया बंदे ने म्यूजिक बंद कर दिया, बोलता है पहले पैसे रखो कुछ से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तू जा। और मेरे पास छुट्टे नहीं थे, मैं एक्चुअली दूसरा बैग लेके आया हूँ मेरा आज, सो मैं उस बैग से थोड़े पॉइंट्स लेना भूल गया इस बैग में। तो मैं पहले गया एक पास के किसी रेस्टोरेंट के पास, दो तीन लोगों से पूछा मैंने छुट्टों के लिए, जिसने छुट्टे दिए वो मैं उनसे जर्मन में बात कर रहा था छुट्टे के लिए, फिर मैंने ऐसे पूछ लिया कि मतलब जर्मन में कि कहाँ पे कहाँ से हो आप, उन्होंने बोला इश कॉम हाउस इंडियन, मतलब मैं इंडिया से हूँ। एंड आई वॉज वेरी मच शॉक्ड कि ये है हैकेशर मार्ग का एस बान का स्टेशन, और इसके जस्ट बाजू में एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन काइंड ऑफ है जहाँ पे यूजली लोग आके काफ़ी अच्छे क्राउड में बैठते हैं। ये एस बान का स्टेशन, आप यहाँ से आते हो तो यहीं पे बाजू में पब्लिक टॉयलेट भी है, ऐसा चीज़ है ये पब्लिक टॉयलेट जो जर्मनी में पूरे बर्लिन में एक्चुअली बहुत कम जगहों पे होता है। तो अगर आप हैकेशर मार्ग के आसपास हो तो ये साइड पे एक पब्लिक टॉयलेट है। सो अभी धूप थोड़ी सी निकल आई है, सो चश्मा पहन लेना ज़्यादा बेटर होगा शायद से। बर्लिन में आपको ऐसे कई सारे आर्टिस्ट्स मिलेंगे हर जगहों पे जो ऐसी चीज़ें प्ले करते रहेंगे हर बार, ये काफ़ी कॉमन है। ये जो सामने है यही है मार्केट, वहाँ से मार्केट स्टार्ट होता है। सो अभी हम लोग खड़े हैं बर्लिन आर्ट मार्केट के एंट्रेंस के पास, और ये जो पीछे जितना भी आप देख रहे हो यही पूरा मार्केट है, वो हम लोग कवर करेंगे इसको अच्छे से। और एंट्रेंस के पास ही यहाँ पे आपको खाने के थोड़े बहुत स्टॉल्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको कुछ खाने के लिए मिल सकता है। सो ये जो शॉप है ये यहाँ पे ये लोग कैनवास वाले क्लोथ मटेरियल पे ये लोग 3D प्रिंटिंग करते हैं, तो ये एक्चुअली पेंट नहीं है, ये 3D प्रिंटिंग है, और काफ़ी अच्छा दिखने में लग रहा है ये, एक्चुअली देख सकते हो आप लोग, और इसको हम लोग फ्रेम करके यूज़ भी कर सकते हैं। और यही पर्सन टी शर्ट्स भी बेच, यहाँ पे टी शर्ट्स भी आपको दिख रहा है प्रिंटेड, और शायद कुछ बैग्स, कैरी बैग्स। नेक्स्ट है 3D मैग्नेट, तो ये शायद मैग्नेट से मतलब जो भी है काइंड ऑफ हर जगह चिपकता होगा सारे मेटालिक बॉडी पे, आयरन और ये सब स्टील बॉडीज पे। और यहाँ पे ऐसे वीडियो निकालना अलाउड तो नहीं है, बट मैं रिस्क लेके निकाल रहा हूँ। ये शायद पेंटिंग्स है, देख सकते हो आप लोग, कई सारे पेंटिंग्स हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। मेरा फेवरेट जो मुझे लग रहा है वो ये है, ये आई थिंक कोई 3D कुछ तो है इसमें, मतलब थोड़ा अलग दिख रहा है देखने में। अब मुझे सब तो नहीं पता कि क्या है कैसे है, बट काफ़ी अच्छे जो भी है।
मैं एक्चुअली इतना भी डीप नहीं पता मुझे आर्ट और ये सब के बारे में, बट जो भी है गाइस कैन सी कितना, हाँ ये तो पेंटिंग है फॉर श्योर, देख के लग रहा है और काफ़ी ब्यूटीफुल है। सो एक्चुअली हम लोग इस स्टॉल पे आए, ये इनके हाथ से बनाया हुआ है सारा पेंटिंग्स, और ये जो पेंटिंग्स के फ्रेम है ये मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड है फ्रेम्स, और जो भी पेंटिंग या फिर जो भी प्रिंट है ये लोग ने अपने हाथों से बनाया है, और ये सारे मॉडर्न फ्रेम्स है। आप देख सकते हो कितने वंडरफुल है, ये सारा का सारा इनके पास जाता है क्रेडिट इनका, क्योंकि इन्होंने बनाया है वो, और आप देख सकते हो कितना अच्छा दिखता है ये। और अगर हम लोग छोटा सा फ्रेम बनाना चाहते हैं तो ऐसा काफ़ी अच्छा लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसको फ्रेम बना के अगर मैं मेरे डेस्क पे रखूँ तो कितना ब्यूटीफुल लगेगा, आई कैन जस्ट इमेजिन कि कितना अच्छा लगेगा वो। सो अभी हम लोग को कुछ मिला है यहाँ पे, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये चेक पॉइंट चार्ली का एक फ़ोटो है, और उस लोकेशन का इसके अंदर एक पत्थर है आप देख सकते हो। तो पता नहीं ये एक नया तरीका है फ़ोटोज़ को मेमोरीज़ के साथ कैप्चर करके सेल करने का। इनमें सारे ऑलमोस्ट वैसे फ़ोटोज़ है जो कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो या फिर कोई ब्यूटीफुल स्कल्पचर हो यहाँ का। आपको फिर ये 3D मॉडल है एक्चुअली ब्रैंडनबर्ग टोर का, फिर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये देख सकते हो आप लोग। अगर तो ये सारे जो है ये ग्लासेस है, इनके ऊपर कोई ना कोई प्रिंट किया हुआ है बर्लिन का, जर्मनी का। यहाँ कई सारे आप लोग पेन भी देख सकते हो कितने यूनिक डिज़ाइन के हैं। ये इसके ऊपर जर्मनी का फ्लैग प्रिंट किया हुआ है। ये सारे पेन्स 2 यूरो के हैं सिर्फ। एक और काफ़ी यूनिक चीज़ ये पेंसिल है, ये 1.5 फुट की पेंसिल है। सो एक और जगह हम लोग को दिखा यहाँ पे, ये शॉप है इसमें जितने भी पेंटिंग्स है ये सारे के सारे हैंडमेड है। सो आप देख सकते हो वुड के बनाए हुए सारी चीज़ें हैं, ये देखो ये सारी चीज़ें वुड के बनाए, कितनी अच्छी फिनिशिंग है इन सब चीज़ों की। ये स्कार्फ और हैट का स्टॉल है। तो एक और स्टॉल पे हम लोग आए हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें हैंडमेड है इनके द्वारा, आप देख सकते हो। इनका क्लोज लुक लेते हैं एक बार। या फिर एक और स्टॉल मिला हम लोग को यहाँ पे, ये सारे पेंस हैंडमेड है इन भाई साहब के द्वारा। तो ये इनका वेबसाइट है, इस पे आप देख सकते हो उनका वर्क जो भी है, और हम लोग यहाँ पे वीडियो में देखने वाले हैं कितना अच्छा तरीके से इन्होंने सारे पेंस को माइन्यूटली बनाया हुआ है। तो जितने भी ये पेंस है ये सारे 30 यूरो के हैं, आप देख सकते हो लकड़ी के हेल्प से इन्होंने पूरा पेन बनाया है। मे बी ये एक दो चीज़ें होंगी जो इन्होंने अपने हाथ से नहीं बनाई होगी मुझे लगता है, बट पता नहीं मुझे। सो ये एक ऐसा शॉप है जहाँ पे ये लोग आपकी आँखों का फ़ोटो निकालते हैं इस मशीन पे, देख सकते हो जितने भी यहाँ पे फ़ोटोज़ है ये सारे के सारे किसी ना किसी पर्सन के आँखों का फ़ोटो है। नेकलेस या फिर ऐसा ब्रेसलेट भी बना सकते हो, आपके खुद के आँखों के फ़ोटो का नेकलेस और ब्रेसलेट। सो यहाँ पे और एक स्टॉल हमने देखा जहाँ पे जो भी चीज़ें हैं ये काफ़ी सुपर क्यूट है,
इनके ओनर के बोलने के हिसाब से एक्चुअली ये बोल रही है कि इन्होंने खुद ये कैट्स डिज़ाइन की, ये जो इन्होंने पेंटिंग किया है ये इन्होंने खुद किया है, देख सकते हो काफ़ी सही में इट्स रेरी रियली सुपर क्यूट। सैंड पेंटिंग बोलते हैं इसको, इसको अगर हमने टर्न किया तो एक कोई दूसरा सैंड का पेंटिंग बनता है। सो एक ऐसा स्टॉल मिला है जहाँ पे जो पर्सन है वो खुद लाइव बैठ के पेंटिंग बना रहे हैं, मतलब जो भी है स्केच बना रहे हैं, वो देख सकते हो आप यहाँ पे। और यहाँ पे जितने भी स्केचेस हैं ये सारे इनके थ्रू बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ है काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, इंस्टाग्राम पे इनको फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे। और ये है लाइव पेंटिंग जो इन मैडम का बना रहे हैं ये पर्सन, और ये योर वेलकम। ये सिर्फ बर्लिन आर्ट मार्केट में ही आपको दिखेगा, और आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जा रहा है अभी तक। ये अभी शायद रिलेट नहीं कर पाते होंगे हम लोग, बट डेफिनेटली कुछ टाइम में रिलेट हो जाएगा, मैं श्योर हूँ। सो फाइनली हमने पूरा मार्केट घूम लिया है, और थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने नोट करी और वो मैं आप लोग को अभी बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात कि जितने भी स्टॉल्स हैं सारे लोगों ने वीडियो बनाने के लिए अलाउ नहीं किया, ऑलमोस्ट 80% या 85% लोगों ने अलाउ किया वीडियो बनाने के लिए, और बाकी लोगों ने पता नहीं किसी ना किसी कारण से शायद वो लोग को नहीं पसंद वीडियो बनवाना अपने प्रोडक्ट्स का, तो वो लोग ने मना किया। और दूसरी बात कि ये पूरे स्टॉल पे जो भी चीज़ें लोग बेच रहे हैं उन प्रोडक्ट्स के अंदर इन आर्टिस्ट्स का कोई ना कोई टाइप का कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब जो भी प्रोडक्ट लोग बेच रहे हैं उसमें ये लोग का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होता है बनाने के लिए। सो वो दूसरी बहुत यूनिक बात रही है। और तीसरी बात ये है कि जितने भी स्टॉल्स यहाँ पे है सारे स्टॉल्स के ओनर्स का एक यूनिक इंस्टाग्राम अकाउंट होता है जहाँ पे ये लोग अपने सारे आर्ट को प्रेजेंट करते हैं। सो कई जगहों पे मैंने वीडियोस में मतलब कवर भी किया है उनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स एंड ये सब, और कई कई जगहों पे नहीं कर पाया हूँ। तो जो भी था ये तीन चीज़ें थी, एक तो इंस्टाग्राम अकाउंट, दूसरा इनका खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन, तीसरा सब लोग अलाउ नहीं कर रहे थे वीडियो बनाने के लिए। सो पीपल आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और जो मैंने ये नई सीरीज चालू की है इस चैनल पे थिंग्स या फिर प्लेसेस टू विजिट इन बर्लिन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आएगा, आप काफ़ी एंजॉय करोगे इसको। और ऐसे ही वीडियोज़ को आगे देखने के लिए अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ शेयर करो ऐसे वीडियोज़ अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगा तो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।